अनदर व्लॉग। सो गाइज, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज हम खेलने वाले एक गेम, जो कि मैंने इन सबको समझा दिया है, एक बार आपको बता देती हूँ। सो गाइज, हमारा गेम होगा क्वेश्चन के ऊपर, पढ़ाई भी होगी और गेम भी होगा, मज़ा आएगा उसमें, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ गेम भी होगा हमारा। हम ए बी सी डी को पढ़ेंगे, ए बी सी डी जिस पे जेड आएगा वो आगे के वर्ड बोलेगा, जेड से जैसे लास्ट होता है जिस पे जेड, वो जेड से वर्ड बोलेगा, फिर जो वर्ड वो जेड से बोलेगा जिस वर्ड से वो लास्ट होएगा, जैसे हमने जेब्रा बोला जेड से, और जेब्रे में ए लास्ट हो गया तो एप्पल बोल दिया, दूसरा वर्ड एप्पल लास्ट हो गया ई पे है तो ई से हमने एलिफेंट बोल दिया। ऐसे अगर तीन वर्ड किसी ने बोल दिए तो एक पॉइंट उसका हो जाएगा, अगर वो तीन वर्ड नहीं बोल पाता तो वो कैंसिल हो जाएगा, उसका उसको पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, उसको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, फिर नेक्स्ट पे आ जाएगा ऐसे पॉइंट ऐसे। और तीन तीन वर्ड जिसने बोल दिए उसका एक एक पॉइंट हो जाएगा, और जिसके 10 पॉइंट हो गए उसको हम एक गिफ्ट भी देंगे बाद में, ठीक है भाई? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जन्नू से, इधर से स्टार्ट करेंगे ऐसे ऐसे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जन्नू आ गई, बोल भाई जन्नू जेड से एक वर्ड। जेब्रा लास्ट हुआ ए पे, तो मैंने ही बोल दिया था बेटा, दूसरा बोलो। दूसरा जेड से, जेस जेड जेड जेनी जेड जू जू ओ से बोलो। अब दूसरा वर्ड ऑरेंज 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 ई ई से बोलो। एग ओके, हो गए तीन वर्ड पूरे इसके। तो भाई इसने इसका एक पॉइंट हो गया जन्नू का, याद रखना भाई एक पॉइंट हो गया जन्नू का। तो इसने बोला था एग, यानी जी पे लास्ट हुआ, तो जी से बोलो भाई तुम। अशद नहीं, पहले ए बी सी डी तो काउंटिंग कर लूँ। हाँ। यहाँ से इस पर आएगा, वैसे भी अगर मैं करूँगी तो इस पर आके रुकेगा, है ना? देखते हैं एक बार करके इस पर आएगा क्या। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इस पर आ रहा है तो हो गया तेरा भी। हाँ फिर भी बोल भैया। अच्छा जी से ग्रैप्स, एस एस से बोल दूसरा वर्ड सिप, पी ई ई से बोल नेक्स्ट वर्ड ई एलिफेंट। बेटा पे आप तो एलिफेंट बोल लिया था आपने। हाँ ये मैंने बोल रखा एलिफेंट, दूसरा बोल दो ई से। ईयर मिस, अब की बार अगर किसी ने बोला तो उसको गेम से बाहर कर देंगे, अगर किसी ने इस तरह चीटिंग की तो। तो भाई हमारे पास दो दो पॉइंट हो गए, एक जन्नू का पॉइंट हो गया, एक असद का हो गया, और जिसके 10 पॉइंट होंगे याद रखना गिफ्ट उसको ही मिलेगा, ठीक है? तो अब नेक्स्ट है आफिया, आफिया से सिंपल सवाल करेंगे, ठीक है? आफिया ऐसे बताया, ऐसे ऐसे तीन वर्ड बता दे बस, ए फॉर एप्पल से तीन वर्ड। ए फॉर एप्पल से तीन वर्ड, और ऐसे दूसरा वर्ड ए फॉर एप्पल होता है, ए फॉर एरोप्लेन होता है, और बताए फॉर रहने दे रहने दे भाई। तो भाई आफिया, तो आफिया को हम बाद में खिलाएंगे, अब आएगी हमारी अकदस की बारी। तो भाई अकदस बोल, तूने कहीं से लास्ट किया था? एलिफेंट नहीं बोला था इसने लास्ट में, कुछ और बोला था एलिफेंट की जगह, ईयर बोला था। ईयर आर से स्टार्ट कर, ये पक्का रोज। आर से वर्ड रोज। ई से नेक्स्ट वर्ड ईयर, उसने बोल दिया अभी, एक ही तो बार बोल सकेंगे ना एक वर्ड, ईयर तो उसने बोल दिया। बच्चे पढ़ाई में कच्चे हमारे, तो ई से सही वर्ड बोलना, ई से इंग्लिश का। ए फॉर एप्पल में ही अभी तो बहुत सारे वर्ड बच रहे हैं, ए बी सी डी में ही ढूंढ लो। मुझे पता, जल्दी जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं है, आउट हो गया भाई इसका एक पॉइंट। एग, एग बोल दिया उसने, दोबारा रिपीट नहीं करना, वो बात मैंने पहले ही बोल दी थी। हाँ।
ई से बोलो, इसे अगर 5 बार आपने नहीं बताया तो आप निकल जाओगे टीम से। आई चल ई से दूसरा बोल, ई से दूसरा बोल, अब उधर नहीं देखना। आइसक्रीम आई से हो ना कि ई से, गंदे बच्चे। आई से हो आइसक्रीम, हमें ई से बोलना दूसरा वर्ड, क्योंकि तुम इसने आई बोला, ई वाई ई होता है आई, तो इसके पास दोबारा भी आई आया वर्ड है ना भाई। एच से हुआ हेयर, ये सारे हमारे पास जितने बच्चे हैं सारे के सारे बिल्कुल नहीं पढ़ते, सारे गंदे बच्चे हैं, गेम का नाश कर चुके हैं ये दोनों निकल, ओए गंदे शब्द नहीं यूज नहीं करने, ये दोनों गेम से निकल जाएंगे अगर इन्होंने 2 बार और नहीं बताया तो। अब दोबारा जन्नू पे आता है, इसे बोल हाना नहीं तो बताओ, रुक जा। इसे क्या होता है वो, एक फल है, इसे है तो क्या फल है बताओ, मुझे बता 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 इस क्या हुआ है, इस मिस तो ये कोई वर्ड नहीं है, ये कोई वर्ड नहीं है, इस होता है और वो इस है, हाँ आइस है वो, आइस है इस। हमें ई वर्ड जो ई फॉर एलिफेंट होता है ना उस वाले वर्ड से हमें अच्छा, आंसर चाहिए। ई फॉर एलिफेंट से चाहिए तुम्हें कैरेट, क्या ये तो कैरेट है, ई से कैरेट कैसे बन जाएगा, नाम भी बोल सकते हो किसी का ई से, ई से आयशा ऐसे बनेगा, आयशा ई से नहीं बनेगा। सो हमारे बंदरों से क्वेश्चन के आंसर तो नहीं किए गए और हमारे बंदर केले खा रहे हैं और एक बंदर तो भाग के उठ के और एक बंदर को ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है केला खा के। एजुकेशन वाला गेम तो इनसे खेला नहीं गया, बोल रहे कि हम अंताक्षरी खेल लेंगे, अंताक्षरी की बना लो वीडियो, तो हम अंताक्षरी खेल लेंगे, चलो कोई नहीं, इनका मन रखने के लिए आए बच्चे इतनी दूर से और मैंने इनको बुला के लाई इतनी, तो अंताक्षरी खेल लेंगे कोई बात नहीं। तो हम शुरू करते हैं भाई, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करें अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। मैं साया जन्नू पाया है, डांस करो तुम नागिन पे, चलने से सत्तू अंदर, मुझे तू नहीं रहा, तू का नहीं से बंदर, चुंदू बंदर देख वो रहा, वो रहा बंदर, क्यों कर रहा है वो, ये खा रहा है बनाना, ये शायद बनाना ही खा रहा है। बंदर हमारे पास ना जा कहीं, बट जब काटते हैं ना बहुत तगड़ा काटते हैं। बात तो है, सनसाइड होने ही वाला है, शायद हो ही गया, हम लेट आए है ना, लेट आए ना, आते इधर देखो कितना प्यारा लग रहा है वो आसमान, बंदर ना जो बस डर लग रहा, अगर बंदर आ गया तो हम इधर से भाग जाएंगे। आ जा फोल्डिंग। अभी इसके अंदर का बांध कहाँ गया, हम नाव में बैठ गए, हम नाव में बैठ गए भाई, नाव में बैठ के भैया टैक्सी वाले भैया वहाँ तक छोड़ लो, अचान होने लग गई, अब जाना पड़ेगा मुझे, स्कैम हो गया आप के साथ, वीडियो दिखाने में सारा टाइम चला गया, वीडियो बनी भी नहीं, और देखो अरे वो दो चार बंदे रहे हो कहाँ, मेरे मुझे तो दिख नहीं रहे, अरे मेरे ब्लैक लेके, हाँ ना स्क्रीन करो, देखो एक दिख गया, दिख गया दिख गया दिख गया, एक तो टैंक के पास है, हाँ दिख गया ना, राइट मुझे तो दिख गया, एक वाइट वाला टैंक के पास है। गाइस आज मेरा जो तकड़े वाला पोपट हुआ है ना, ये सब बोलते रहते हैं हमें इतने वर्ड आते हैं, मैं इतनी इंग्लिश बोलता हूँ, मैं ये करता हूँ, तो मैंने सोचा इनके लिए एक वीडियो बना लूँ मैं। इनमें से किसी ने किसी भी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से नहीं दिया जो मैंने इनसे क्वेश्चन किए थे, और ऐसे गाने गाते रहते थे, उनका अच्छे से कुछ सॉन्ग ही कर लेंगे, चलो इनसे ये नहीं हुआ तो। इन्होंने मुझे इतना तकड़े वाला पोपट किया, जैसे कि स्कूल में पेपर के बाद पता चलता है कि इतने नंबर आते हैं, इनका मुझे आज टेस्ट लेने के बाद पता चला, जो कि इन्होंने मेरा खतरनाक वाला पोपट कर दिया, वो भी वीडियो में। अजान तो होगी अभी, कल को कब आओगी तुम, किस टाइम आओगी, पता नहीं बेटा,
जैसे आज अचानक से काम आ गया, अब्बू ने बोल दिया दवाई लिया, वरना मैं तो 3:30 बजे रेडी हो गई थी आने के लिए तुम्हें लेने। फिर मैं इतनी दूर गई बाजार में, फिर दवाई लेके आई, फिर यहाँ आई। तो ऐसा करेगा, हम 4 बजे वहाँ आ जाएंगे। और वहाँ पे बन के तो नहीं, यहाँ पे देख कितना अच्छा है ना, खुला खुला यहाँ पे बने हैं। हाँ तो ऐसा करियो, छत पे नहीं जा सकते एक तो, और यहाँ पे छत है हमारी तीन, एक एरिया हमारी छत फुप्पो की, एक बड़े अम्मी की, एक इतनी सारी तो छत है हमारे पास, और खुला खुला है, चांदना भी है, इसलिए बताओ। ऐसा करेंगे अभी तो, या तो तुम आ जाइयो 3 बजे तो यहाँ बहुत धूप रहा है, 4 बजे करीब आ जाइयो, 6 बजे। हाँ 4 बजे से यहाँ पे छाँव है, 5 बजे से, अभी 6:30 बजे है ना, 7 बजने वाले, अभी लेट होगी ज़्यादा, तो यहाँ पे 4 बजे आना पड़ेगा। हमारा पोपट हो गया, हमें यहाँ ही नहीं लेने, फिर कर लेगी तो तुम 4 बजे भी नहीं आ पाएगी, तो 5 बजे के करीब आसान हो जाओगी, यहाँ से आओगी वहाँ तो बननी पे नहीं पानी की। ये ऐसे करिए तुम 4 बजे। मैंने घर पहुँचते देखा अम्मी खाना बना रहे हैं, क्योंकि अप्पी की तबीयत ख़राब है, तो मैंने सोचा मैं हेल्प करा देती हूँ जल्दी से, ताकि मैं डांट से भी बच जाऊं। तो उसके बाद मैंने अम्मी के साथ जल्दी से रोटी बनवाई, और सब्जी बननी नहीं थी तो हमने पराठे बना लिए दोनों ने मिलके, अम्मी ने और मैंने। अभी जा रही हूँ मैं अब्बू के साथ हॉस्पिटल में, अब्बू की ड्रिप लगी है, एक सुबह लगी थी 12 बजे लगी थी, एक तो उन्होंने बोला था एक लगेगी शाम में 8 बजे, तो आपको 8 बजे आना है, और अभी टाइम हो रहा है 15-20 मिनट है 8 बजने में, तो अभी हम चलते हैं, इतने हम जाएंगे, इतना 8 बज जाएंगे। छोटे वाली ड्रिप लग रही है, मैं जो होती है ना छोटे वाली, उसमें इंजेक्शन डाल के लगा रहे हैं अब्बू के पेट। गए सभी, हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, और आज तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है हॉस्पिटल में। ये लग रहे हैं छोटे छोटे इंजेक्शन, बैठ के लगवाने पड़ रहे हैं इतने। सो गाइस, 1 घंटा लग गया हमें डॉक्टर के, पूरा 1 घंटे से भी ज़्यादा ही। हाँ तो गए, चलो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, क्योंकि आज मैंने इतने ज़्यादा चक्कर लगा दिए भाई, चार के दो चक्कर उधर के, दो चक्कर ड्रिप लगाने के लिए, 6 चक्कर लगा लिए मैंने। काफ़ी दूर है यहाँ से, इतना भी पास नहीं है, बाजार भी पास नहीं है, डॉक्टर भी पास नहीं है। सो गाइस, अभी मैंने चेंज कर लिया है, क्योंकि मैं हॉस्पिटल से आते हैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि हम जहाँ हॉस्पिटल में जो बेंच वगैरह पे बैठते हैं, पता नहीं वहाँ पे कैसे कैसे पेशेंट आके बैठते होंगे, तो कीटाणु वगैरह रहते हैं, तो इसलिए मैं आते ही चेंज कर लेती हूँ, तो मैंने नाइट सूट ही डाल लिया। अभी डिनर करते हैं, मेरे पास है डिनर के लिए पराठे बनाए थे हमने और पेठे की सब्जी। सो गाइस, अभी वीडियो को एंड करते हैं। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब।